इधर में होती है भाई ईटीए रिपोर्ट चेक आपकी, ईटीए रिपोर्ट इधर चेक करवानी पड़ती है, पासपोर्ट चेक होता है और फिर आपके लिए दरवाजे हैं जो खुल जाते हैं करतारपुर साहिब के कॉरिडोर के। तो सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं और भाई गुरजीत भाई और मैं, हम दोनों आ गए हैं करतारपुर साहिब। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, एक्साइटेड आना भाई। भाई सिर्फ इधर से ना 6 किलोमीटर रहता है इसका घर, बट भाई कभी नहीं गया, बट आज मेरे साथ भाई को जाने का मौका मिला। हम दोनों ने प्लान बनाया और दोनों साथ में निकल लिए और अभी आ गए हैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर के अंदर और पार्किंग लगाते हैं फिर चलते हैं आगे, क्योंकि जब गेट पे एंट्री होती है ना पहले ही पासपोर्ट और ATA चेक किया जाता है। अभी हम कोरोना की रिपोर्ट भी नहीं लेकर आए और वो भी हम अभी करवाएंगे, इधर से रैपिड टेस्ट हो जाता है तो वो कर देंगे अपने आप, तो अच्छी है। नहीं तो यार कहाँ हम हॉस्पिटल में घूमते फिरते, बहुत टाइम लग जाता है पंजाब में, हमको पता है। तो अभी गाड़ी पार्किंग लगाते हैं फिर निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई सुबह सुबह धुंध बहुत ज़्यादा यार, ठंडी भी लग रही है, कपड़े भी मैं कम ही पा के आया हूँ। तो अभी चलते हैं अंदर, गाड़ी लगा दी अपनी पार्किंग में और बहुत ही बड़ी पार्किंग बनी हुई है यार इधर में तो सच में। तो ये है मेन कॉरिडोर, अभी तो धुंध है यार, देखने को भी नहीं कुछ है और इधर में तिरंगा लगा हुआ है, ऊपर दिख ही नहीं रहा कुछ भी। तो चलते हैं अंदर कॉरिडोर के अंदर, देखते हैं, धुंध की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा और अभी पूछते हैं जाकर कैसा कहाँ क्या कुछ करना है। बहुत अंदर से ना बहुत उत्साहित हूँ मैं, बहुत एक्साइटमेंट है। और जब एंटर होते हैं ना सामने तो ये लगा हुआ है इधर, मतलब जैसे लंगर सिखाते हैं गुरुद्वारे में उस चीज़ का एक पैटर्न बनाया हुआ है छोटा सा, तो बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये है मेन कॉरिडोर, तो इधर में ही मे भी शायद इमिग्रेशन इधर ही होती होगी, है ना भाई? इमिग्रेशन होती है इतनी। तो चलो चलते हैं। पहले तो जब कोविड से पहले का समय था ना, तो जो डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारे से ही बसें चलती थी, तो वो बसें लेकर इधर आ जाते थे, बट अभी तो बस नहीं, अभी खुद आना पड़ता है या वॉक करके। भाई वैक्सीन वाला भी ज़रूरी है तो सच में लेकर आना चाहिए, मेरे तो मैं तो निकाल के लाया हूँ, दोनों डोज लगे होने चाहिए, तो हम दोनों भाइयों के तो दोनों डोज लगे हुए हैं। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कुछ प्रोसीजर है। तो ये लिखा हुआ है सामने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर, ये है डेरा बाबा नानक का कॉरिडोर है मेन। तो चलते हैं देखते हैं अंदर, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है यार खुश हो रहा है दिल, बट आज मौसम हमारे साथ नहीं है ये गल तो आता है। तो एक ओंकार, तो ये है कॉरिडोर। तो भाई ये है डिपार्चर गेट, इधर से एंट्री होती है और तो इधर में होता है पासपोर्ट चेक, और पासपोर्ट चेक कराना पड़ता है, जो जो डॉक्यूमेंट है सारे अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। और पहले इधर में है ना एक मनी एक्सचेंज वाला नहीं था, बट इधर में SBI का और पंजाब बैंक का अभी मनी एक्सचेंज वाला है, तो इधर डॉक्यूमेंट अपने चेक करवाते हैं और फिर निकलते हैं। फिर आगे आर्मी स्कैन करती है जैसे एयरपोर्ट में होता है ना सारा, तो उधर स्कैन होता है, तो देखते हैं एक बार। बड़ी खट्टी है यार तो भाई अभी भी एक गोलियां क्यों पाउंदे भाई, ये पोलियो दी बूंद का तो पाउंदे ड्रॉप्स, इस करके पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं ना गल। अच्छा, पाकिस्तान च वायरस आ किते वायरस ना कैरी करके लाओ तुसी। ओके, तो वायरस या ताडे बच्चा च या किसे च चला रहा। ओके, तो भाई अपने डॉक्यूमेंट चेक करा ले हैं, तो RT-PCR रिपोर्ट लेके जानी सबसे ज्यादा जरूरी है जो अपने पास थी, तो अभी चलते हैं अंदर फिर निकल। तो दोस्तों ये है आज की अपनी सवारी करतारपुर साहिब, चलते हैं अभी करते हैं शुरू, लेके वाहेगुरु का नाम बोले सोने हाथ सत श्री अकाल। तो ये आ गई जीरो लाइन इधर की इंडिया और पाकिस्तान की। चलो चंगा जी, सत श्री अकाल, आंदे हुए मिलांगे सोनू। तो इधर में डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, ETA चेक होता है, तो चलते हैं पाकिस्तान की ओर यार, पाकिस्तान की सरजमी पे हम पैर रखने जा रहे हैं। तो ये है इंडिया का गेट और उधर है पाकिस्तान, ओ कर दिया तो भाई ये है इंडिया अपना और ये है जीरो लाइन और इधर है पाकिस्तान। तो वेलकम टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर हम जीरो लाइन पे खड़े हैं यार अभी। तो पहले तो दरवाजे को देख ले यार अच्छी तरह से, कितना
मतलब है ना, लग ही नहीं रहा कि हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, ऐसा ही है कि अपने देश के अंदर ही जा रहे हैं। तो क्या बात है यार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, खुशी मिल रही है। एक पंजाब की खुशबू ही है, इधर भी चढ़दा पंजाब लहंदा पंजाब, दो पंजाब हैं। तो आपको पता है 47 में जो डिवाइडेशन हुई थी तब अलग हो गए थे, वैसे तो हम एक ही हैं। सत श्री अकाल जी, हो ठीक हो सर, कैसे हो आप? ठीक ठाक, कैसे हो सर? तो सत श्री अकाल भाजी, कैसे हो आप? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बशीर है। बशीर, ओके। मेरा नाम सर मनी है, मैं पटियाला से हूँ। मैं तुम्हारा गुआंडी हूँ। ये आपका गुआंडी है, डेरा बाबा नानक से ही है। वेलकम जी, वेलकम। तो चलते हैं अभी करतारपुर साहिब तक, भाई जी छोड़ देंगे। कितने किलोमीटर है सर इधर से? चार किलोमीटर। तो चलते हैं, और भाई जी पाकिस्तान से हैं, तो अभी हम फाइनली पाकिस्तान के अंदर हैं। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है यार। मेरा नाल है ना, चलते हैं। मेरा बापू अंदर है, पहले जाने दे। तो ये सारी इधर बाउंड्री लाइन लगी हुई है, उसके उस पार कौन सा गाँव है जी? उस पार पाकिस्तान है, दोनों साइड, दोनों साइड पाकिस्तान है। ये सिर्फ गुरुद्वारे की सपोर्टिंग बनाई गई है, इंडिया बॉर्डर वो पीछे रह गया। अच्छा अच्छा। तो लो जी फाइनली वेलकम टू पाकिस्तान। वेलकम टू पाकिस्तान हो गया जी। तो चारों ओर है ना, इधर बाउंड्री लगी हुई है और सारा ही उधर पाकिस्तान है ना, ये सारा पाकिस्तान है सारा। अच्छा, इधर करतारपुर साहिब के आसपास में कौन सा गांव पड़ता है इधर पाकिस्तान का? लाहौर एक तो कितने किलोमीटर है? अच्छा, पेशावर भी बड़ी दूर है ना? पेशावर बहुत सोहनी जगह पाकिस्तान की। पेशावर तो बहुत दूर, पेशावर तो यहाँ से 10-12 घंटे लगे। अच्छा, वो पाकिस्तान की सब तो खूबसूरत जगह है ना पेशावर, जिमें साढ़े इतने श्रीनगर आ गया है ना, उदा का बनया हुआ। सही है, तो एक दिन उधर जाने का भी मौका मिलेगा यार, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे जी, पक्का। आप भी कभी पंजाब आना इधर, हमारी परमिशन हो ताकि हम भी आए। हाँ, आने तो थोड़ा दिल करता हूँ ना। बहुत दिल करते हैं। सही है, सही है। कोरोना वाली वो पीटीसी बोली, हाँ वो चेक कराए, उसके बाद उधर इमिग्रेशन में फिर आपको और बस मिलेगी। ओके, आगे 3-4 किलोमीटर दूर है ना, फिर गाड़ी और मिलेगी। ठीक है भाजी, सत श्री अकाल जी, फिर मिलांगे। तो ये है इधर कोरोना की रिपोर्ट टेस्ट होती है इधर, तो चेक करवाते हैं एक बार फिर निकलते हैं आगे। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी, होर ठीक हो? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਔਰ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਰਫਾਨ ਜੀ। ਇਰਫਾਨ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। तो इधर में कोरोना की रिपोर्ट चेक की जाती है और ETA आपका देखा जाता है, पासपोर्ट चेक किए जाते हैं। तो अभी चलते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 100-200 मीटर हो गया सारा। तो उधर में पाकिस्तान की इमिग्रेशन है, तो जाके अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाते हैं और एंटर करते हैं यार करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के अंदर। तो अभी सामने आ गई है जहाँ पर डॉलर जमा होते हैं ना, डॉलर एक्सचेंज करवाए जाते हैं इधर में सारा। तो इधर में अपना जो $20 देने आते हैं वो भी देते हैं। सत श्री अकाल जी, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੀ? ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਕਰੰਸੀ ਲੈਣੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ? ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਕੂਮਤ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੰਸੀ ਕੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ $20 ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕਾਊਂਟਰ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਓਕੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਸਿਹਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ? ਆਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਰੇ ਅਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। तो इधर अभी जो अपने पासपोर्ट लेते हैं और ये $20 इधर सबमिट होती है और बाद में हमको मिल जाती है स्लिप, और उसके बाद किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है ना सर? उस तो बाद डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं हैगी, हूँ एंट्री होगी है सीधी मतलब अंदर। ओके, अंदर आज इमीग्रेशन होनी है थी? ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। तो ये अपने को स्लिप मिल गई है,
तो अभी चलते हैं अंदर यार। अंदर में भी एक इमिग्रेशन है, पाकिस्तान की इमिग्रेशन होती है, तो उधर में इमिग्रेशन कराते हैं और फिर निकलते हैं करतारपुर साहिब की ओर यार। इमिग्रेशन वाला है, खुशी देखो मुंडे के लड़के के चेहरे पे भाई, खुशी खुशी है सच में। हमारा गुआंढी है ना, गुआंढी मुल्क है। हाँ जी हाँ, मिल गई सी जी। हाँ जी, देन आ गए सी वो आप ही। और मेरे है ना पीछे डॉक्यूमेंट रह गए थे जब मैं गाड़ी में आ रहा था इंडिया से, तो वो देने आ गए दोबारा यार। शुक्र है ये भी, नहीं तो मेरे को भागना पड़ता, पीछे जान नहीं देते वैसे तो वो। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਅਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕੀਏ ਜਾਤੇ ਬੈਗ ਸਕੈਨ ਔਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤੋ ਖੁਸ਼ੀ 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 ਕਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਸੱਚ ਮੈਂ। ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸਕੋ ਬੋਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਉਸੇ ਬੋਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਚਲਤੇ ਹੈ ਯਾਰ ਆਗੇ। ਓਕੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਔਰ ਸਰ ਠੀਕ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀਆਂ तो लो जी इधर में फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं दोनों थम्स के, चारों उंगलियों के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के। तो अपने हो गए हैं तो फोटो करवाते हैं अभी। ਹੋਰ ਸਰ ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੀ 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 ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਅਰੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਲਕੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ ਮਣੀ ਹੈ। ਮਣੀ? ਮਣੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਸ ਮਣੀ? ਮਣੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਮ, ਮਨਿੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਕਨੇਮ ਮਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਯੂਟਿਊਬ ਹੀ ਸਰ, ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਰ? ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੋ ਲੋ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਇਤਨੀ ਈਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੋ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੋ ਲੋ ਵੀ ਅਭੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾ ਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਔਰ ਹਮਕੋ ਵੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅਭੀ, ਵਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਮੇਂ ਡਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸਕੇ ਬਿਨਾ? ਗਵਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਰ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ, ਆਪ ਸੁਣਾਈਏ ਠੀਕ ਹੋ? ਤੋ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਰ ਅਭੀ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਯੂਟਿਊਬ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਭੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾ ਕਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਭੀ ਹਮਕੋ ਯੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਰ? ਯਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਭੀ ਪਾਸਪੋਰਟ? ਚਲੋ ਅਭੀ ਯੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋ ਡਾਲਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਮੇਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਧਰ ਤੇਰੇ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਲਾਣੇ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਰੱਖ ਲਾਉਣਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੈਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਹੈ ਅਭੀ। ਤੋ ਇਧਰ ਸੇ ਅਭੀ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਸਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਨਾ ਯਾਰ। ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਰ ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ। ਓਕੇ ਚਲੋ
भी फाइनली अपनी करतारपुर साहिब की जर्नी है जो शुरू हो गई है इधर से, और इधर से अभी थोड़ा सा ही रह गया। तो सर कितने किलोमीटर है इधर से? 3.5 किलोमीटर। तो अभी 3.5 किलोमीटर है, ये अपनी लास्ट बस है, इसके बाद तो सीधा गुरुद्वारा आ जाएगा, है ना जी? चलते हैं, करते हैं सफर शुरू। पहली बस है। कुछ लोग इधर अगर वॉक करके पैदल जाना चाहते पैदल भी चले जाते हैं ना जी। हाँ, तो जो 1-2 किलोमीटर वॉक कर सकता है तो वॉक करके भी जा सकता है, तो बड़ी आसानी है। तो अभी चलते हैं, करते हैं अपना सफर शुरू। बोले सोने धुंध इधर भी वैसी है ना जैसे इंडिया में धुंध है, इधर बहुत धुंध है। इधर ऐसे ही रहता है सर मौसम इधर? नहीं, ऐसे नहीं रहता, बस धुंध करी करी पैंदी। कल धुप्प लगी सी इत्थे? अच्छा, मीमू भी पैंदा रहंदा होना ना सर? ये तो कमबख्त बस सरहदों का फासला है, वरना खाना पीना रहना सहना बोली मजहब हर एक चीज इंडिया पाकिस्तान की सेम सेम ही है। तो ये जो पुल है ना, ये पुल के नीचे सारा रावी दरिया बगता है, तो अभी तो दिखेगा नहीं यार धुंध की वजह से। तो यही एक डिवाइडेशन है जो इंडिया से पाकिस्तान को जाती है ना, रावी दरिया, रावी नदी भी बोल देते हैं, तो वो है इस पुल के ऊपर। बस सर ऐसे तक, ओके। तो लो जी, स्वागत है आपका पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में आ गए हैं। तो सत श्री अकाल जी सारा नु, सत श्री अकाल। तो अभी चलते हैं, इधर से मेन एंट्री होती है, और ये थी हमारी बस जो इधर तक हमें छोड़ गई। अच्छा लग रहा है भाई, और ये लग रहा है, अच्छा लग रहा है यार, मेरे पास में गांव है, मुझे अच्छा लग रहा है भाई। इसका यही जिला पे आता है। तो ये भाई बता रहा था ना, जब ये बचपन में होता था ना, तो ये दूरबीन से देखता था, उधर दूरबीन लगी हुई थी इंडिया में, है ना? अभी भी लगी है, अभी भी लगी है, वो शाम को दिखाएंगे आपको। तो आप दर्शन कीजिए अभी गुरुगढ़ के। तो इधर से गुरुगढ़ की शुरुआत होती है, इधर से ये मेन एंट्रेंस है। तो देखते हैं, चलते हैं अंदर, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यार, और चारों तरफ ना धुंध ही धुंध है। तो उम्मीद करता हूँ दोपहर तक ये धुंध सारी हट जाए और हमें अच्छा सा व्यू देखने को मिले। सत श्री अकाल जी, और सर ठीक हो? बहुत वधिया जी, ठीक है जी। क्या नाम है सर अपना? की जी? मुदस्सर। और सर अपना? कफायत। मेरा नाम मनी है सर। सब तो पहला जी साढ़े सारे मेहमानों वीरों सरदारों साड़िया भैनों पाकिस्तान और करतारपुर आते पंजाब टूरिस्ट पुलिस और PMU डिपार्टमेंट की तरफों जी आया वेलकम। सत श्री अकाल जी। साढ़े सारे मेहमान अपने डाकूमेंट संभाल लोगे दरबार साहब के अंदर, किसी जगह डाकूमेंट्स चेक नहीं होंगे, वापसी तो इसी जगह से वी टादर वाली स्लिप और पासपोर्ट चेक हो। आप जी ने जो विजिटिंग कार्ड मिले ने, ये साढ़े मेहमाना की आइडेंटिटी है, शनाख्त है। आप जी ये गुम नहीं करोगे, किसी ना चेंज नहीं करोगे, सेम इसे तरीके ना गले च हैंग करके रखोगे। आप जी 4 बजे तक साढ़े को स्टे करोगे, उस तो पहला किसी भी टाइम जाना चाहो सेम इसे जगह तो आप जी ने बस मिलेगी। 4 बजे लास्ट बस इतों वापस चले जाती है। कोशिश करना थोड़ा टाइम ना आ जाना, लास्ट टाइम गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप जी हूँ अंदर जाओगे, राइट साइड से पहला रूम जोड़ा कर है, नेक्स्ट रूम लाकर रूम है। लाकर से आप जी अपना एक्स्ट्रा समान रख सकते हो, चाबी नाल लै जाओगे, आप जी अपना समान नाल भी कैरी कर सकते हो। जोड़े उतार के आप जी अंदर जाओगे, सब तो पहला परिक्रमे से सरोवर साहब आएंगे, सरोवर साहब के नाल ही वाश बेसिन लगे हुए ने हैंड वाश करने वास्ते। गुरुद्वारा साहब बिल्कुल दरम्यान दे विच मिड दे विच मौजूद ने। आप जी ने जो अपोजिट साइड से बिल्डिंग और परिक्रमा नज़र आएगा, वो राइट और लैफ्ट दोवों कोनिया से वाशरूम बने हुए ने, वाशरूमों से आप जी के लिए एक्स्ट्रा जोड़े भी रखे हुए ने। आप जी गुरुद्वारा साहब तो लैफ्ट साइड से देखोगे द्योड़ी के उत्ते धार्मिक विचार वटांदर स्थान लिखा होया, वो बैक साइड से लंगर हाल है, लंगर हाल की बैक साइड से मार्केट है। आप जी अगर दर्शन करने तो बाद जोड़े पा के मार्केट जाना चाहो सेम इसे जगह पर आके लैफ्ट साइड से जाओगे, थोड़ा चलोगे मार्केट आ जाएगी। जोड़े पा के इस ट्रैक तो मार्केट जा सकते हो, जोड़िया तो बगैर अंदर वाली साइड तो भी मार्केट जा सकते हो। असी आस करांगे आप जी का जिन्ना भी समा इतने गुजरे नहायत अनमुला और यादगार गुजरे, पाकिस्तान और करतारपुर आने का बहुत शुक्रिया। थोड़ा जहा है कि मौसम खराब है, अंदर कारपेट विछे हुए ने, कोशिश करना कारपेट के उत्तों की चलना, स्लीपिंग ज़्यादा सुबह सुबह। वेलकम जी आया। थैंक यू जी, थैंक यू।
तो अभी चलते हैं अंदर और इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है जो जो चीज़ें लेफ्ट एंड राइट एंड साइड पे हैं गुरुद्वारे के बारे में सारी चीज़ें बताई है। तो इधर में अभी एंट्रेंस होती है तो इधर में लॉकर कर रखा हुआ है, जोड़ा कर रखा हुआ ना, तो हम अपने पहले शूज़ सबमिट करते हैं, इधर शूज़ रखते हैं और फिर चलते हैं अंदर की ओर। सत श्री अकाल भाजी, होर ठीक हो सर? की नाम है सर अपना? खुरम अपना नाम। खुरम, मेरा नाम मनी है सर। लो भाई तो ठीक है, अभी बाइक कराता है अपने जोड़े सबमिट, शूज सबमिट होते हैं उसके बाद चलते हैं अंदर की ओर यार। और जगह जगह पे है ना पानी पीने के लिए इधर अवस्था दी हुई है, तो पानी पी लेते हैं यार थोड़ा सा हम भी। तो भाई ठंड का मौसम है, गर्म पानी पीना चाहिए, तो गर्म पानी हमने डाल लिया, गर्म पानी पीते हैं पहले तो। हाँ हाँ हाँ, पानी पी ला भाई गर्म। डस्टबिन, ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं और लोगों से मिलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। तो लंगर के लिए कोई सेवा करना चाहता है तो इधर में करवा सकता है। सत श्री अकाल जी, और सर ठीक हो? वधिया जी वधिया। तो कोई भी अपने मतलब पंजाब से अगर कोई लेकर आता है ना फूड जो लंगर में यूज़ होते हैं चीज़ें, तो इधर सबमिट करवा सकता है ना सर? तो अभी इधर से मेन एंट्रेंस है जो शुरू होती है, तो चलो चलते हैं, करते हैं गुरुद्वारे के दर्शन। सीधा रास्ता जाता है गुरुद्वारा साहिब की ओर, तो इधर में सरोवर बने हुए हैं, तो चलो देखते हैं। असी क्या बापू जी, होर ठीक हो जी? बढ़िया बड़ी। तुम पहली बार आ रहे हो कि इतनी? पहली बार। हाय हाय, मेरे तुसी भी पहली बार? किवें लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा जी। बढ़िया लग रहा है, एक्साइटमेंट है ना अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, बाबे नानक ने मौका दिता हूं बस। हां सही है, वैसे तो अपना कोई कल्चर से डिफरेंस ही नहीं है यहां पाकिस्तान में और पंजाब इंडिया में। बड़े बड़े भी इतों गए पाकिस्तान चलाए, साडे पड़दादे रहंदे। अच्छा, थोड़े पड़दादे रहंदे? हां, तो पहले इतों गए। अच्छा, 47 के टाइम था। सही है सही है। तो बहुत ज़्यादा खुशी है यार, हर एक के दिल में है ना अंदर से बहुत एक्साइटमेंट है कि ये तो शुक्र है चलो है ना गवर्नमेंट्स ने सारा खोल दिया, नहीं तो दिल में ही रह जाती है बात। तो अभी करते हैं अंदर, चलते हैं दर्शन करते हैं। सत श्री अकाल जी। ठीक हो जी? वधिया जी वधिया। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਪ, ਸਾਰਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਜੇ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਭੀ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ, ਇਹ ਅਭੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੋ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਧਰ, ਇਹ ਐਡਮਿਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ये मेडिकल सेंटर बना हुआ है। ओके, ये पालकी है, ये कमर्शियल एरिया, ये होटल अभी बनने हैं इधर। अच्छा अच्छा, ये अपार्टमेंट बनेंगे अभी। बाकी ये लंगर हाल की बिल्डिंग है, ये म्यूजियम की है। अच्छा अच्छा, ये दरबार साहब और ये निशान साहब। ओके, ये खेती साहब है। खेती, ये अंगीठा साहब है। ओके, सरोवर है। ये पाकिस्तान दर्शन जोड़ी है, इंडियन दर्शन जोड़ी है। ठीक है, सारा मास्टर प्लान उधर से आप आए हैं? अच्छा, उधर से आए हैं ऐसे? अच्छा, ये इधर इंडिया का आ गया सारा सर्कल। ओके, ये स्टार्टिंग एरिया इधर से शुरू होता है, ये जीरो लाइन है, ये गेट लगा हुआ जहाँ से आपने एंट्री की है। ओके, ये जो पुल वो बना रहे हैं अभी पाकिस्तानी, ये आपका एक सड़क आ रही है सीधी। अच्छा, ये आगे हमारा पुल बन रहा है अभी। अच्छा, आपने देखा होगा तो काम चल रहा है। हाँ, तब यहाँ से ये रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ से आप आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पासपोर्ट वगैरह चेक करवाते हैं, जो $20 फीस है वे पे करते हैं। अच्छा, करेंसी चेंज करवाते हैं इधर, कोविड टेस्ट रिपोर्ट वगैरह चेक करवाते हैं, वहाँ से क्लियर करवा के आप बस में बैठते हैं। 3.5 किलोमीटर का फासला। अच्छा, फिर आप वहाँ पर आते हैं। ये रास्ते में दरिया रावी पड़ता है, ये रावी नदी पड़ती है ना, दरिया रावी रास्ते में आएगा, दरिया रावी बस आपको यहाँ लाएगी। ओके, ये इंडियन साइड है, यहाँ से इंडियन दर्शन ड्यूटी में आप एंट्री करवा देंगे, यहाँ हमारे उधर गाइडेंस बैठे हैं, आपको गाइड करके अंदर भेज देंगे। ओके ओके, ठीक है भाई। की नाम है भाई अपना? मेरा नाम नासर। नासर, ओके।